हेलो मिठीज फैमिली मेम्बर, वेलकम बैक टू मिठीज फैमिली चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मी मतलब सब चीज़ों के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपकी पूरी बॉडी हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, मैंने स्किन के लिए भी बात की है आप लोगों से, तो आज मैं बात करूँगी आपके लिए हेयर केयर के ऊपर कि आप समर्स में अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने बालों को सिल्की स्मूथ के साथ साथ लंबे कैसे कर सकते हैं, घने कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भी बाल पहले लंबे थे, मैंने अभी रिसेंटली कटवाया है, 1 वीक हुआ होगा मुझे, 1 या 2 वीक हुआ होगा। तो अगर आपको भी लंबे और घने बाल चाहिए और गर्मियों में स्पेशली गर्मियों में कौन सा ऑयल लगाना चाहिए बालों में, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वाली हूँ सोल फ्रार, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसके जो ऑयल होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, कोई भी केमिकल इसमें नहीं होता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी, इसमें मुझे 2 ऑयल मिले हुए हैं, एक तो कोकोनट ऑयल है और दूसरा एसेंशियल ऑयल है, जिसको आप हेयर एंड स्किन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए एसेंशियल ऑयल के साथ साथ एक ड्रॉपर भी मिल जाता है, जिससे ये अप्लाई करने में इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉपर मिला हुआ है। तो इस रोज मेरी एसेंशियल ऑयल को आप अपने हेयर के साथ साथ स्किन पर भी लगा सकते हैं। जैसे आपके हेयर को शाइनी बनाएगा, उसी तरीके से आपके फेस को भी ये ग्लोई बनाएगा। जब भी आप कोई DIY बनाते हो तो आपको एसेंशियल ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसके 2-3 बूंद उसमें डाल सकते हैं और आपका DIY या फेशियल ऑयल या फेस पैक तैयार हो जाएगा। तो थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर अगर आपको चाहिए तो अपने ऑयल में एसेंशियल ऑयल मिला के ज़रूर लगाइए। और अब आप बात करेंगे कि बाल में कौन सा तेल लगाना चाहिए, गर्मियों में कौन सा हेयर केयर के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होगा, तो बात कर लेते हैं। मैं बात करूंगी कोकोनट ऑयल के बारे में। जैसा कि गर्मियों में हम सभी का फेवरेट बन जाता है कोकोनट ऑयल, ठंडियों में हम लोग बादाम का तेल प्रेफर करते हैं पर गर्मियों में हम लोग कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो ये 100% प्योर एंड वेगन है और ये कोल्ड प्रेस कोकोनट कैरियर ऑयल है और इसको ट्रेडिशनली हैंडमेड तरीके से बनाया गया है। इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को, हील करेगा ड्राइनेस को, डैमेज हेयर को ठीक करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको हीट से, एंटीबैक्टीरियल है, मतलब अगर फंगस, खुजली, इचिंग कुछ भी आपके बालों में या स्किन में है तो ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा। इसमें ये बहुत ही सुंदर सा ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल आपको मिल जाएगा और देखिए इसका ये कैप है, कहीं से भी कुछ भी गिरने का चांस नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी पैकेजिंग भी है और साथ ही साथ ये बॉटल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। हेयर वॉश करने से कुछ समय पहले तेल लगा के अपने बालों को छोड़ देते हैं। अगर मैं बोलूं कि ओवरनाइट अपने बालों में तेल को लगा कर छोड़ दीजिए, उसके बाद सुबह उठ के आप अपने बाल को वॉश कीजिए, उसके बाद जो शाइनिंग, जो नरिशमेंट आपके बालों को मिलेगा ना, आप खुद बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सच में ये इस ऑयल ने जादू किया है। आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल लेना, जितना आपको अपने बालों में लगाना उतना आप ले लीजिए तेल को, और उसके बाद एसेंशियल ऑयल की 2-4 बूंद डाल दीजिए और उसके बाद अपने बालों में इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। ये आपके बालों में जो ग्रे हो रहे हो, जो बाल आपके ग्रे हो रहे होंगे या आपके बाल झड़ रहे होंगे, ये बिल्कुल आपके बालों को ठीक करेगा। और हफ्ते में आप इसको 2 बार जरूर लगाइए अपने हेयर वॉश करने से पहले। विशेषताएं मैंने बहुत बता दी हैं, तो चलिए अब इसको लगा के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने सोल फ्लावर का ये नारियल का तेल लिया, नारियल से तेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने इस बॉटल को खोला इसमें से इतनी भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू आ रही थी नारियल वाली, इसी से पता चलता है कि ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगा बालों में। आप खुद देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल शाइनी दिख रहे हैं बाल। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में ऑयल को अप्लाई कर लिया है, अब इसको मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी और सुबह इसको मैं वॉश कर लूंगी। तो अगर आपको भी बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाइएगा। तो इन गर्मियों में अगर आप भी सोल फ्लावर के ये नारियल का तेल और एसेंशियल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं और आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो इसका जो बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक पे क्लिक कीजिए, ये कितने का है, कितना ML आपको मिल रहा है, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने प्रोडक्ट तो लिया पर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अगर आप अच्छे से उसको अप्लाई करते हो, उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हो, तो वो ज़रूर आपको रिजल्ट देंगे। कोई भी प्रोडक्ट यूं ही नहीं बनता है, उसकी कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर जिनके बाल ग्रे हो गए हैं या फिर जिनको भी कुछ भी हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।